पूरी दुनिया में लगभग 400 करोड़, एशिया में लगभग 170 करोड़ और अपने इंडिया में लगभग 50 करोड़ लोग हैं जो दरअसल दीवाने हैं मेरे। किसी के चेहरे की मुस्कुराहट जैसा हूं तो किसी के दिल के सुकून जैसा। मेरे होने से लोगों की दुनिया। इंटरनेट, इनफैक्ट ये इंटरनेट तो मेरी पूरी फैमिली की नींव है। मेरे दादाजी पूरे दिन में एक डायलॉग तो ये मारते ही मारते हैं। 2x2 के कमरे से शुरू किया था मैंने मित्तल भुजिया कॉर्नर और आज इंटरनेट की वजह से मेरा ये ब्रांड वर्ल्ड फेमस बन गया। सो शो चल रहा है इंटरनेट वाला लव और बात हो रही है इंटरनेट की, तो मैं आपको मिलवाऊंगा अपनी मित्तल फैमिली से जिनका इंटरनेट से उतना ही गहरा नाता है जितना बहू का सास के तानों से और हमारे रेडियो स्टेशन का हिट गानों से। लेट्स डू दैट। मॉम का इंट्रो भी बाकी है क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक गाना नहीं कम से कम एक फिल्म की कहानी सुनानी होगी, वो भी 2-3 पार्ट्स में, लेकिन उनका जिक्र होता रहेगा क्योंकि हम कर रहे हैं इंटरनेट की बात। अब देखिए रिश्तों में, ट्रस्ट में, ए जी ओ जी सुनो जी हां जी, ये रिस्पेक्ट रहे या ना रहे, मोबाइल फोन में 3G 4G के 4 डंडे जरूर रहने चाहिए वरना हार्ट अटैक भी आ सकता है। वाओ व्हाट अ हॉटी। अरे ये नेटवर्क कहां गायब हो गया? डू द इश्क बेबी। आया 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 आया। वंस मोर वेलकम बैक टू 104.8 इश्क एफएम। मैं हूं आपका जय। वेल, हम सबको इंटरनेट से प्यार है और इंटरनेट पे हमारे लिए ढेर सारा प्यार है। अब आई डोंट थिंक सो आज के टाइम में ऐसा कोई भी इंसान होगा जिसको ये इंटरनेट वाले लव के कनेक्शन से चिढ़ हो। अगर है तो ये गाना सुनने के बाद उसका मुझे नाम बताइए। नेम आद्या वर्मा, एज 21 इयर्स। अरे मम्मी, हमें ना अदुदी का बायोडाटा लेकर शादी वाले ब्यूरो में नहीं जाना चाहिए और ना ही उनकी प्रोफाइल शादी वाली साइट पे डालना चाहिए। उन्हें ना लाइफ में थोड़ा सा चिल करने की जरूरत है। तो मैं काम करती हूँ, मैं उनकी प्रोफाइल फेसबुक पे बना देती हूँ। बहस मत कर दिया। ब्यूरो जाते तो सामने से बायोडाटा देकर बात कर लेते,
लेकिन अभी यहाँ कंप्यूटर पे बना रही है, तो इस फाइल में जो भी है सब कुछ उसमें डाल दे, आध्या की पसंद नापसंद, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ। अरे मम्मी, आपकी जो बड़ी बेटी है ना, उसे सिर्फ एक ही चीज नापसंद है, सोशल मीडिया। By God, आज जहाँ पूरी दुनिया सिर्फ एक अंगूठे पे अपनी पूरी लाइफ सेट कर देती है, वहीं आपकी लाडली आध्या वर्मा आज भी दुकान दुकान भटक कर शॉपिंग करती है। एक रुमाल भी बिना देखे पर के नहीं खरीद सकती वो। और उनकी इस बुजुर्गों वाली आदत में फंसती है उनकी बेस्टी सविता। उफ़, सॉरी, सैवी। बेचारी बचपन की दोस्ती की सजा अभुगत रही है, और दीने बचपन के बाद दोस्त बनाए नहीं, और बनाते भी कैसे, सोशल मीडिया से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसे पुराने दोस्तों से टच रहा नहीं और नए दोस्त बने नहीं। बैब बस करना यार, 2 घंटे हो गए, इससे अच्छा तो ऑनलाइन डिस्काउंटेड रेट में ले लेते यार। ये कितने का है काकी? बेटा 500 रुपए का। हाँ आंटी, इतना महंगा? सरोजनी पालिका रजोरी हर जगह 400 का मिल रहा है। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। क्या यार बैब्स, पूरी बार्गेनिंग वेस्ट करा दी तूने। तू ना मतलब खुद के पल्ले बल्ले पैसे कमो, दुनिया की सेवा करनी है तुझे। ओहो, बड़ी टायर्ड सी फील कर रही हूँ, बहुत वीकनेस हो रही है। चल कहीं हम कहीं जूस पीने चलते हैं। चल अच्छा चल ठीक है। बस अब पिक डाल दो, फिर बन जाएगी आपकी लाडली अदुदी की शादी वाली प्रोफाइल। अरे मम्मी, अगर अदुदी को पता चल गया ना, उन्होंने तो मेरा कत्ल ही कर देना है। पता है ना 1 महीने पहले क्या हुआ? भूल जा उन सब बातों को, तू भी भूल जा और उसे भी भूलने दे। एक तो वैसे ही घर के हालातों से परेशान होकर वो सारी जिम्मेदारी अपने सर पर उठा लेना चाहती है, एक दिन में 2-2, 3-3 इंटरव्यूज देती है। अरे मम्मी, फिर आप ये शादी वाली प्रोफाइल क्यों बनवा रहे हो? उन्हें जॉब करनी है ना। तो कौन सा अभी लड़का मिल जाएगा? ये तो एक छोटी सी कोशिश है एक माँ की अपनी बेटी के लिए थोड़ी सी खुशियां ढूंढने की। ठीक है मम्मी, मैं पिक डाल देती हूँ। अरे अदुदी का कॉल। अरे अभी तो प्रोफाइल डाली है मैंने। माँ माँ माँ, बताओ ना उन्हें क्या बोलो, बताओ ना। वो अगर उन्हें पता चल गया तो प्रोफाइल के बारे में। अरे ऐसे ही नॉर्मली बात कर ले, उसे क्या पता कि हमने उसकी प्रोफाइल बनाई है। अरे मम्मी, आप समझती क्या, नॉर्मली क्या होता है। हेलो जी, अदू द ग्रेट। मैम, खाने में ऑर्डर क्या रहेगा? 1 चॉकलेट ब्राउनी, वेज ग्रिल सैंडविच एंड ऑरेंज जूस। आई रिपीट योर ऑर्डर मैम, अ चॉकलेट ब्राउनी, अ वेज ग्रिल सैंडविच एंड ऑरेंज जूस। थैंक यू मैम। क्या यार अदुदी, मतलब बचपन से सेम ऑर्डर। अरे लाइफस्टाइल ने तो कम से कम खाने में तो वैरायटी लाओ। ये बातें बनाकर टॉपिक डाइवर्ट कर रही हो ना। वैसे perfectrishta.com का मैसेज आ गया है मेरे पास। इतना बताओ कि मेरी ऑनलाइन प्रोफाइल क्यों बनाई? टेक्नोलॉजी के नाम पे लोगों को ठगने का कारोबार होता है यहाँ। रिश्ते हो या राशन, सब नकली मिलता है इंटरनेट पे। अरे अद्दुदी, आप ही मुझे बताओ, चौधरी अंकल की कितनी बार गारंटी करने के बावजूद उनकी दुकान के कपड़े खराब निकले है कि नहीं? फिर ऑनलाइन शॉपिंग या इंटरनेट को क्यों खलनायक बनाना? क्योंकि दुकान का सामान हम अच्छे से देख कर उसे छू कर परख सकते हैं, और अगर खराब निकला तो वापस कर दिया। लेकिन इंटरनेट का क्या है, सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें लगाकर हमें फंसाया जाता है। सामान दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। मैंने कहा ना दिया, वो प्रोफाइल हटा दे बस। अरे अद्दुदी, यहाँ भी कौन सा आपका दूल्हा डायरेक्टली शेरवानी पहन के फेरे लेने वाला है? आपकी तो सिर्फ प्रोफाइल बनी है, फिर उस पे किसी का इंटरेस्ट आया तो उसे देख लेना, छू लेना, परख लेना, समझ लेना, फिर ठीक लगे तो ओके, वरना टाटा बाय बाय। अरे अद्दुदी, 2 साल तक दोस्त बनाकर परखा ना किसी को, क्या हुआ उसके साथ? अच्छा ठीक है अद्दुदी, आपको लड़के नहीं देखने ना, अब मत देखो, कोई बात नहीं। लेकिन प्लीज मम्मी की तसल्ली के लिए वो प्रोफाइल बने रहने दो। अभी आप चिल करो, अपना ऑरेंज जूस पियो, फिर ठंडे दिमाग से हम मैच देखने जाएंगे, ठीक है? और मैं चलिए आपके सचिन तेंदुलकर को तैयार करने। तैयार करने के लिए उन्हें ढूंढना भी पड़ेगा, क्योंकि घर नहीं आए वो अभी तक। दिया, पापा भी बोल सकती हो ना उन्हें, हर वक्त ऐसे मजाक अच्छा नहीं होता। और हाँ, उनकी दवाई दे देना उन्हें आज से। अरे अदुदी, उनकी दवाई खत्म हो गई,
शायद इसलिए घर नहीं पहुँचे, वही खरीद रहे होंगे। रिया मैंने कहा ना, पापा के बारे में कोई मजाक नहीं। अच्छा अच्छा ओके, बहुत होगी भाषणबाजी, अब हम डायरेक्टली स्टेडियम पे मिलते हैं। ओके बाय। अरे अद्दू दी, 2 साल तक दोस्त बनाकर परखा ना किसी को, क्या हुआ उसके साथ? इट्स ओके बेब्स, डोंट वरी। ये तो वही है ना? अबे हाँ, ये तो वही है। अभी 1 महीने पहले ही तो मैडम जी का कांड हुआ। अबे ये तो वही है ना जिसके मुंह पे पानी फेंका था। वही है। सच में यार, मजाक है। आद्या, आद्या वेट, आद्या बेब्स, अरे लिसन यार, आदू, आद्या रुक जा, आद्या लिसन टू मी, अरे रुक ना, अच्छा मेरी बात सुन ले, तो कहाँ तक भागेगी, हाँ, रुक जाना यार। आज तो सेंचुरी मारने का दिन है, आज की डेट 100th डेट होगी, बस एक हॉट सी बेब मिलनी चाहिए। 2 in 1, इंटरेस्टिंग। हेलो सनशाइन। एक फोटो में 2 चेहरे, दोनों ही खूबसूरत, लेकिन डेट पर तो कोई एक ही आएगी ना, सो टेल मी, तुम में से कौन है मेरी आज की डेट? फर्स्ट डेट थोड़ी एक्साइटिंग और एडवेंचरस हो, इसलिए ये बात मैं सस्पेंस रखती हूँ, वहीं मिलकर पहचान लेना कौन सी वाली हूँ मैं। चलो देन, शाम को 6 बजे मिलते हैं सी रॉक कैफे में। देखिए आउटिंग तेरा मूड ठीक करने के लिए थी, अपसेट करने के लिए नहीं, और मुझे लगता है तुझे पर्सनल स्पेस की जरूरत है, दिमाग डाइवर्ट होगा तो पुरानी सब बातें भूल जाएगी तू। नहीं सावी, मैं ठीक हूँ, बस नौकरी को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, आज भी 2 इंटरव्यूज दिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तुझे पता है ना मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। हाँ तो मिल जाएगी बेब्स, तू टेंशन मत ले, बस चिल कर और कल के इंटरव्यू में अपना बेस्ट देना, बेस्ट, ठीक है? अब अच्छा चल, मैं चलती हूँ, मुझे बड़े काम है आज, ओके? बाय बाय। बाय। सर ऑटोग्राफ, सर प्लीज ऑटोग्राफ सर। चलो पीछे हटो। सचिन सचिन, अंधा हो गया है क्या? अरे क्या हुआ, क्या पैर पे चढ़ गया देख? अरे रुक यार सचिन, इधर सुनो, अंधे हो क्या, दिखता नहीं आपको? अबे तमीज से तो बात कर, पाँव पे पाल लग गया, ठीक है बोल दिया सॉरी, और क्या करूँ तेरे पे? तुम क्या कमिश्नर लग रहे हो यहाँ के? ये जो है ना सचिन, ये घूम रहा है साले, स्ट्रेट ड्राइव मैंने सिखाया, आधी क्रिकेट उसके साथ खेली मैंने। अरे क्या परेशानी क्या तेरी? मैंने अभी धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट सिखाया है, अब बोलो मजाक लग रहा है तेरे को? जाके पूछ के देख ले उससे, साले दिन में 2 बार बोल के आउट करता था उसको मैं। सचिन ऐसा है भाई साहब, ऐसा है, हमने भी शराबे पी के पूरे स्टेडियम को बोल्ड मारा है, वो भी 1 ओवर में, शराबी कहेगा हट सामने से। अबे शराबी किसको बोल रहा है? अरे बदतमीजी उसने किया, मैंने कुछ? अरे बाहर चल। अरे अरे बात तो सुने आप मेरी यार, अरे सुनो चल, गंगा बहा रखा है स्टेडियम में दारू पी के, चल। अरे संभालो इसे। साले हो क्या तुम लोग? जितनी क्रिकेट यहाँ पे देखी होगी ना तुमने, उससे ज्यादा खेल चुका हूं मैं यहाँ पे।
आज बॉल डालू ना डंडे भार कर दू तुम लोगों के तो चेस साले। पापा पापा क्या ये सब? अब शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। खामा खा नाराज हुए, अपना खून भी जलाया, बच्चों को मैच दिखाने आए थे और तुम वो बंद रखो। तुम्हारे मुंह से ज्ञान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम जानती हो अच्छी तरह से। जब खड़ा हूं ना आज तुम्हारी वजह से खड़ा हूं। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, अच्छा साला करियर चल रहा था, पता नहीं कहां से आई हो तुम जिंदगी बर्बाद करने मेरी। ये देख रही हो, दिख रहा है कुछ? एक हारे हुए खिलाड़ी और एक बर्बाद इंसान के अलावा कुछ नहीं दिखता यहाँ पे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ तमाशा मत कीजिए प्लीज, घर चलिए प्लीज। मैं तमाशा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तमाशा। साले मेरी जिंदगी यहाँ पे तमाशा बना दी है, मैं तमाशा कर रहा हूँ। आपका फोन बज रहा है, मुझे किसी से बात नहीं करनी अभी। अरे अद्दू दी, कितनी बार कॉल आ रहा है, हो सकता है अर्जेंट हो। हेलो। हेलो जी, मैं आपका कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। आपका कल का इंटरव्यू प्रीपोन हो गया है, बॉस को अर्जेंटली बाहर जाना है, तो आप फौरन उनसे सीरो कैफे जाके मिलिए। ओके। वो इंटरव्यू कॉल है, अभी बुला रहे हैं। अरे तो सोच क्या रही हो, आप जाओ ना। अरे ये ड्रामा तो हमारे घर की रोज की बात है, ये जॉब इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज जाओ। Hey sunshine, सीरो कैफे में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, कम सुन। अरे अब बाहर चल, गंगा बाहर रखा है स्टेडियम में दारू पी के, चल। ये देख रही हो, दिख रहा है कुछ? एक हारे हुए खिलाड़ी और एक बर्बाद इंसान के अलावा कुछ नहीं दिखता यहाँ पे। आज भी दो इंटरव्यूज दिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तुझे पता है ना मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। इंटरव्यू कॉल है, अभी बुला रहे हैं, ये जॉब इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जाओ। अगर इंटरव्यू के लिए सीरो कैफे नहीं पहुंची तो ये नौकरी भी मेरे हाथ से जाएगी। मैं ये करूंगी मेरे परिवार के लिए, ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं करूंगी। हेलो मिस सनशाइन, कहां हो तुम?
हाय। 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 तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? मैं तुम्हारी प्रोफाइल ही देख रहा था और तुम सामने आ गई। इट्स सो इजी ना? या। वैसे हम खड़े क्यों हैं? बैठे? लेट्स सिट। या। प्लीज प्लीज आफ्टर यू। नाइस। या। प्लीज प्लीज सिट। थैंक यू। वेटर, टू कैपेचिनोस। या। या। थैंक यू सो मच। लुक, आई नो ये तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग है पर डोंट बी नर्वस, रिलैक्स। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरी 12th मीटिंग है। एक वीक से मीटिंग्स प्लान हो रही है और आज सुबह भी दो मीटिंग्स थी मेरी। ओह वाओ, ओह वाओ, नाइस। या, थैंक यू। प्लीज। वैसे 3 मीटिंग्स के हिसाब से तुम काफी नर्वस लग रही हो, या शायद मैं इतना कूल हूं कि मेरे सामने सबके हाथ पे ठंडे पड़ जाते हैं। जस्ट किडिंग। दी आरजे जय के साथ? ओ नो, दी और जय दोनों को मेजर कंफ्यूजन हो गई है। फिल्में देखती हो? हाँ, फिल्में देखती हूँ। बॉलीवुड राइट? हाँ। I knew it. हम दोनों के ना टेस्ट काफी मिलते हैं। अरे दी तो इंटरव्यू देने गई थी ना, फिर यहाँ कैसे? नाइस कॉफी। अब वैसे जॉब रिलेटेड कोई सवाल? जॉब? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मीन मैं लोगों को उनकी जॉब या उनकी सैलरीज के ऊपर से जज नहीं करता हूँ। तुम मेरे से अच्छे से पेश आओगे, तुम्हारे से अच्छे से पेश आऊंगा, सिंपल। एक्चुअली अब प्रोफाइल में मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सपीरियंस के मामले में तुम पहली लड़की हो जो मुझे टक्कर दे रही है। लाइक एक दिन में 3 मीटिंग्स। सैल्यूट बनता है तुम्हें। यस प्लीज टेक योर टाइम। पापा का फोन। चौथी मीटिंग से तो फोन नहीं है? नहीं नहीं, मुझे आपकी कंपनी। अरे मेरी कंपनी तो तुम बहुत एंजॉय करने वाली हो। वी गोना हैव लॉट ऑफ फन, सीरियसली। एक्सक्यूज मी। या प्लीज टेक टेक अ टाइम। हे सनशाइन, सही जगह पे सही इंसान को सही तरीके से अप्रोच करो तो उनके बीच में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इशारा तुमने किया था और अब इश्क मैं करूंगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.